क्षेत्र अच्छा। उसके चार क्षेत्र हैं जी। तो पहला है मथुरा, दूसरा गोकुल वृंदावन, तीसरा ये बरसाना, चौथा कामवन। तो कामवन जो है तीर्थ में चला जाता है, और जो ये बरसाना क्षेत्र है ये लीला क्षेत्र और रास क्षेत्र है। तो जहाँ आप बैठे हो इसको अटोर पर्वत कहते हैं जी। हमारे इस और गांव इसका नाम है ऊंचा गांव। तो इसमें क्या है कि दो पर्वत है, एक अटोर पर्वत एक सखीगिरी पर्वत। अटोर का अर्थ ये है कि द्वापर काल में श्री ललिता जी जो थी राधा जी की आठ सखियों में सबसे बड़ी सखी ललिता जी हैं। तो ललिता जी का गांव, ललिता जी का जन्म स्थान ललिता जी का, और ये अटोर पर्वत। अटोर पर्वत नाम जो है कि अटोर कहते हैं किसी बात का तोर नहीं हो, कि ललिता जी की बात को ना श्याम सुंदर काट सकते, ना राधा जी काट सकती, ना अन्य सखियाँ सखा काट सकते। उन्होंने जो कह दिया वो अटोर है, अटोर है, तो उसको अटोर पर्वत के नाम से। दूसरा अर्थ होता है टोर कहते हैं कंकर को। अच्छा, जैसे नंदगांव से वो गाय चराने आते थे तो वो इधर खड़ी हो जाती थी और यहाँ उनकी अटारी थी, तो उस अटारी पे खड़ी होकर के वो बाट देखती थी। तो एक टोर भी कहते हैं कंकर को भी। दूसरा अर्थ होता है, तीसरा होता है टोर कहते हैं बाट को, तो होना यानी बाट जोना, बाट जोना। तो हमारे ब्रज में तीन अर्थ हैं इस चीज़ के। तो यानी टोर रही हैं, बाट देख रही हैं, और जब निकल रहे हैं पास से, जब पास से वो निकल रहे हैं तो आवाज़ दी नहीं सुनी उन्होंने, दोबारा आवाज़ दी नहीं सुनी, तो ये कंकर मार दिया, टोर यानी कंकर। ऐसी कंकर मारा, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, ठाकुर जी इधर देखा, ठाकुर जी इधर आ जाते थे, ठाकुर जब दे देते थे इनको जी, तो वो इधर चढ़ के आ जाते थे और आकर यहाँ फिर उसका लता जी के साथ में वो फिर गैया सखीगिरी पर्वत जाते थे। तो वहाँ पर सखीगिरी पर्वत है। जिस कुंड की आप पूछ रहे हैं वो कुंड जो है देह कुंड, इसकी दो कथा है जी। इसकी अंतर कथा यह है कि एक बार ग्रीष्म ऋतु थी गर्मी की, तो उसमें ठाकुर जी गाय चरा कर आए तो बैठ गए, वो बैठे उन गर्मी लगी, तो सखियाँ इधर थी, राधा जी साथ में थी और कृष्ण इधर बैठे थे। तो ललिता जी की तरफ कृष्ण देख लिया, ललिता जी ने कृष्ण को देख लिया, तो ललिता जी की दृष्टि पड़ गई कृष्ण पर, और भगवान कृष्ण को देख करके ये महसूस हुआ कि इनको पसीना आ रहा है, इनको विशेष गर्मी लग रही है, ये कष्ट में है। तो ललिता जी की जो कोहनी होती है, मैं ब्रज में इसको कोहनी कहते हैं जी, ये स्पर्श हो जाती है राधा जी से। जब राधा जी की जैसे स्पर्श ये होती है, तो स्पर्श के होते ही राधा जी श्याम सुंदर को देखती हैं। तो जैसे ही वो श्याम सुंदर को देखती हैं, तो राधा जी के मन में उनको देख करके ललिता जी के स्पर्श के माध्यम से भाव आता है, ये प्रेम भाव की ठाकुर जी को बहुत गर्मी लग रही है, क्यों ना मैं इनकी हवा कर दूँ। तो अपने साड़ी के पल्लू से वो इसकी हवा करती है, ठाकुर जी की कौन, राधा जी। तो जैसे ही वो राधा जी हवा करती है तो उनको पसीना सूख जाता है, ठाकुर को बड़ा आराम मिलता है। इधर फिर ललिता जी को वो देखते हैं, तो अब क्या होता है, ललिता जी इधर से खड़ी होकर इधर पहुँच जाती हैं श्याम सुंदर की तरफ। जब वो श्याम सुंदर की तरफ पहुँच जाती हैं, तो जैसे ही वो श्याम सुंदर की तरफ पहुँची, तो श्याम सुंदर की तरफ पहुँचते ही राधा जी को तरफ श्याम सुंदर ने देखा, तो ये कोनी फिर श्याम सुंदर से स्पर्श हो गई, यानी भगवान कृष्ण से। क्योंकि राधा ललिता जी के सामने ठाकुर जी श्री जी के सामने सबको यानी श्याम सुंदर ही कहा जाता है, ठाकुर जी इनका जो है श्याम, श्याम सुंदर के नाम से उद्बोधन करती हैं सभी सखियाँ राधा जी, प्रिया और प्रीतम इस नाम से भी उद्बोधन होता है। तो ऐसे करके वो इस पर जैसे हुआ, तो ठाकुर के मन में उद्वेग जाग गया, भाव जाग गया, आंतरिक मन जागृत होकर के और एकदम समर्पण भाव आ गया कि इन्होंने मेरे को शांति दी है, सुख दिया है, क्यों ना मैं इनकी समर्पित हो जाऊँ। तो फिर चितवन को निहार, मतलब ललिता जी ने फिर चितवन अपनी हिला दी उनकी तरफ, जब चितवन से इशारा कर दिया है कि आपके मन में जो आ रहा है वो मैं इशारा कर रही हूँ, आप करो उस काम को। तो ठाकुर ने अपने सिर है ललिता जी राधा जी के चरणों में रख दिया। जैसे उनके चरणों में उसको रखा और चरणों में रखते ही बोले कि अब मैं तन मन से तो आपका था ही, यानी प्रेम में क्या होता है मन दिया जाता है और उसका तन भी दिया जाता है, तो इसलिए आज मैं तन भी अर्पण कर रहा हूँ। तो ये अपना तन यानी देह, इसका नाम देह कुंड क्यों पड़ा, उसको तन भी अर्थ है देह का, देह देह होती बॉडी, तो देह शरीर तन ये सब इसके नाम है। तो ये देह अर्पण कर दी, इसलिए क्योंकि बोल मैं आज से देह आपके सामने कराऊँ कि आप जैसे मुझे उठाएं, जैसे खिलाएं, जैसे पिलाएं, जैसे चलाएं, जैसे रुलाएं, जैसे बुलाएं, आज से आपका दास हाँ मैं आपकी, तो मैं आपका इसलिए देह अर्पण करके देह कुंड इसका नाम पड़ गया।
दूसरी कथा इसकी वो है कि एक बार एक ब्राह्मण आया कि बड़ोकर गांव है पास में जी। तो यहाँ हमारे दो गांवों की परंपरा चलती है। कल जो होली हुई थी वो मेहराने से जसोदा जी का गांव है जो मेहराना गांव, तो वहाँ से वो एक पांड वो आता था ब्राह्मण और लड्डू फेंकता था, वो उसको सब प्रसादी लेते थे। तो इधर क्या है कि यहाँ पे उसके पहले बड़ोकर गांव पड़ता है, तो उस गांव से एक ब्राह्मण आ गया। तो जैसे वो ब्राह्मण आया तो उसने आते ही ठाकुर जी के साथ राधा जी बैठी हुई थी उसे, तो दान मांग लिया भगवान से। तो दान के दे भगवान ने भाई मांगा क्या, वो राधा जी को दे दो, और राधा जी को दान में ले गया। तो जैसे ही ले गया तो दो दिन तो सहन कर गए वो ठाकुर, जैसे तीसरे दिन हुआ तो उनसे रहा नहीं गया, यानी इतना अश्रुपात हुआ। इसी कुंड की घटना है ये, यानी पहली कथा आपको मैंने बताई, दूसरी ये है। तो जैसे दो दिन व्यतीत हो गए, तीसरे दिन आए, तो ललिता जी का क्रम था कि इनका बीड़ी जो होती है पान की, ये उस बीड़ी को खिलाती है ठाकुर जी को, ललिता जी और राधा जी को भी खिलाती है, दोनों खिलाती हैं। तो उसको खिलाते जैसे लेने ले गई वो, तो जय जय श्यामचंद्र ने बोली तो वो बीड़ी स्पर्श नहीं हो पा रही, यानी उसको ले नहीं पा रहा है, यानी सूख गया है। आँखों को देखा है तो आँखें भी यानी इतने रोए हैं कि जो अंदर के आंसू थे वो सब। ठाकुर जी का रोने का जो व्यवहार आता है हमारे ब्रज में, पहला तो ये है जहाँ से देवकुंड बना है, दूसरा ये है कि जब वो स्वधाम जाते हैं, वो इधर मथुरा जाते हैं, तो एक पलसों गांव पड़ता है, जब गोपियों ने जब आंतर के सारा किया था तो ठाकुर जी का शुरू आ गया था। तीसरा होता है जब जमुना किनारे बैठे थे, तो ऐसे करके उनके आंसुओं के, और राधा जी का भी ऐसे ही है। राधा जी का सबसे बड़ा जो आंसू है वो प्रेम सरोवर का है, जब वो जाते हैं दोनों समय पे ही। हाँ, यहाँ प्रेम सरोवर प्रेम, यानी एक तो मिलन के आंसू होते हैं और एक आंसू बिछड़न के होते हैं। मिलन के कुछ यानी उद्वेग आत्मक एक खुशी में निकलते हैं वो, और वो अलग आंसू होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है उनमें, थोड़ी सी ठंडा और थोड़ा गर्माहट होती है, और जो बिछड़न के होते हैं उसमें ज़्यादा गर्माहट होती है। कैसे होती है कि एक बहुत गहराई की बात है कि जब ठाकुर जी गए तो मैया ने, जसोदा मैया थी, उन्होंने ऐसा बताते हैं ब्रज के रसिक आचार्यगण कि जो आंसू झल रहे थे और वो गर्म झल रहे थे, यानी जो संबंध के आंसू होते हैं, संबंध रूपी प्रेम जो होता है, एक प्रेम होता है समर्पण रूपी, एक प्रेम होता है संबंध रूपी, और एक प्रेम होता है स्वार्थ रूपी, जो आज हम उसको हम जो हमारे साथ चल रहा सबके साथ, जितना भी हमारा आज का प्रेम है वो स्वार्थ का है कि हम एक को एक चीज़ ना दें तो प्रेम टूट जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो दोनों का ये सिस्टम है। तो उसमें क्या था कि वहाँ है वो चीज़ कि जिसके दिल ने जो मान लिया उसी दिल ने उसको मंजूर कर लिया। तो श्याम सुंदर ने ये मान लिया, राधा जी ने ये मान लिया, तो सखियों ने जो इशारा कर दिया राधा जी ने, वो दोनों ने मान लिया, तो वो एक प्रेम की पराकाष्ठा थी। तो उधर क्या हुआ कि उन्होंने उनके मन को पहचाना, देखा कि वो आंसू लौट के वहीं आ गया मैं, तो जब वो नहीं खा पा रहे उसको, गिर पड़ी है, तो ललिता जी को बड़ा ये हुआ मेरी चक्कर क्या है। तो दोनों ये स्पर्श ये जय जय होते हैं हमारे मिठले शब्द है, यानी जो देखो इस तरीके से प्रैक्टिकल है, ऐसे हाथ करके जब श्याम सुंदर को लगाया है तो ऐसे करके उनको दिख गया ऐसे, तो एक आंसू का कण उसी में छवि दी गई उनकी राधा जी की, कि बोल इनका यानी ललिता जी ने कैसे समझाया उस चीज को कि वो एक छवि उनको दिख जाती है, यानी जो ठाकुर के जो वास्तविक होते हैं जो जाने वाले या उनके अनुयायी या उनके प्रेमी, उन्हें वो छवि दिख जाती है। ऐसा मतलब कृष्ण कथा से पहले राम कथा में भी है, बहुत गहराई बात है, ध्यान आ गई, उसको विशेष मंथन करना आप सभी। देखो कि जब तो बात जब आ जाए तो उसको वहाँ से जोड़ देना चाहिए। विनोद जी राधे, यहाँ एक बात आ जाती है कि जब गिरिराज जानकी जी वहाँ थी, कहाँ पुष्प वाटिका में, बैग चल रहा हूँ पुष्प वाटिका, जो सब में उठाया है आंसू कण, यानी नेत्रों में दिख जाना जनकपुरी, जनकपुरी की पुष्प वाटिका विजय की, यानी थोड़ा बैग ले गया इस चीज़ को मैं, मेरी हमारे बेट की लीला चल रही है उसको मैंने मुझसे जोड़ दिया, मैंने जनकपुर की लीला से, यानी योगी और योग को प्रेम से मतलब उस चीज़ का उसकी जड़ से ले लिया चीज़ को।
कि यानी आंख में जो चीज दिख जाती है वो क्या है, वो प्रेम की एक वास्तविकता है। तो होता क्या है कि जैसे वो है तो वहां प्रथम मिलन जब होता है उनका दोनों का, तो राम जी ने उनको देखा और उन्होंने राम जी ने उनको देखा, देखा नहीं दोनों ने, तो देख कर क्या है कि जब उन्हें पहचाना है तो लक्ष्मण जी ने मोरपंख लगाया। तो वहां एक शब्द आता है गोस्वामी के ऊंचा बाल किसी भी, तो गोस्वामी जी ने उसका संडीकरण बहुत किया है तुलसीदास जी जो है कि लता ओट तब सखन रखाए श्यामल गौर किशोर सोहाए। लता यानी प्रेम जो है, पाल जी बैठ गए आगे गुली लाला कर दी लता ये थोड़े चक्कर पड़ जाएगा गुरु, ये सब जगह जाएगी ना बात ना ना वो चीज नहीं नहीं चलने दीजिए ना ना कोई सब जगह नहीं है लता उसमें क्या है लता ओट कोपनी चीज है ना छुपा आपकी इच्छा है लता ओट तब सखेल लगाए और श्यामल गौर किशोर सुहाए। यानी लता की ओट में खड़े थे वो तो सखी ने देख लिया तो राम जी के देखो वो खड़े सखी ने उनको बता दिया इधर ही वो सखी है ललता जी और वो वहाँ क्या सखी है कहाँ से प्रारंभ होता है प्रेम यानी नेत्रों से नेत्रों से लता ओट तब सखी लगाए कि उन्होंने जब जब सखी कहने पर सीता जी ने अब देख लिया तो सीता जी के मन में समा गया वो कि भाई अब दूसरा नहीं चाहिए मुझे अद्भुत अब दूसरा नहीं चाहिए जब समाया तो समा गया। अब जब अब उसके बाद जब पूजने जब आती है वो इधर मोरपंख भी लग गया उनको वो समा गए उनकी क्या कहानी कंकड़ किंकन नुपुर धनसुन और खेत लखनसुन यानी जब मर्यादा नहीं नियम नहीं श्रेम नहीं कुछ भी नहीं सब कुछ यानी कहाँ गए कि जो मन था वो पैरों पे चला गया। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई यहाँ से नेत्रों से ऊपर से नीचे आ गए उल्टा हो गया पैर में रिएक्शन हो गया भाई न्यूटन की थ्योरी में क्या है हमारे क्रिया की प्रतिक्रिया है यहाँ क्या है कि वो क्रिया जब उल्टी हो जाती है और हम सीधे चलते हैं हमने लिख दिया ये लिख दिया वो लिख दिया वो लिख दिया वो लिख दिया या रुकमणी में भी लिखा या बिगल लिख ही हो रहा है तभी तो है उद्धव को कोई पाती थोड़ी लिखी गई है उद्धव ठाकुर जी ने कुछ लिखा थोड़ी है पढ़ा जा रहा है लिखा है थोड़ी कुछ पढ़ा जा रहा है। तो वहाँ जैसी लता ओठ तब उनने उनको देखा उनने उनको देखा कितनी गहराई बन गई कि करत अनुसन बत कई मनसी रूप लुभान और कर सरोज मकरंद करई मत पान कि वहाँ इतने घुस गए वो कि जैसे जैसे कोई भौरा जो है वो उसमें से निकल ही नहीं पाता पंखुड़ी में से इधर उनका मन वहां समा गया उनका मन वहां समा गया उस मन को देख करके जट हुए गिरजा के पास जैसे ही पहुंची है वहां तो गिरजा को क्या पता किसको क्या चाहिए अगर हम प्रेम पर चलते हैं तो महाराज अगर हम प्रेम पर चलते हैं जय 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 राज महेश मुखचंद सब कुछ हो गया तो वहां